I did my graduation from BHU. I secured All India Rank 8 in ICAR UG 2018. Scholarship 3000 rupees per month. आपको lab work भी रहता है और field work भी रहता है. 90% बच्चों का placement हो जाता है. कई सारे ऐसे भी government exam है जो कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेता है जो agriculture से based हो. Masters या फिर PhD करके हम as a agriculture research scientist हम BARC बार DRDO और ISRO में भी हम जा सकते हैं. तो आप एक safe score मान के चलो तो 450 तक तो आप लेके चलो. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए साई एस्ट्रा और करिए अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार. डाउनलोड द ऐप नाउ. तो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जिसमें कि हमारे साथ हैं उमा, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 8 लाया है आईकार ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में इन 2018. उन्होंने अपना बैचलर्स परस्यू किया है फ्रॉम BHU इन BSc एग्रीकल्चर और अभी वो NIT दुर्गापुर में है टू परस्यू हर मास्टर्स. इस वीडियो में हम वो सब कुछ कवर करने वाले हैं जो भी एक आईकार ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम के एस्पिरेंट को कंफ्यूजन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं. आईकार के बाद क्या, वाई शुड इवन केयर अबाउट आईकार एग्जाम, उसको प्रिपेयर कैसे करें. ठीक है, प्रिपेयर कर लिया, एडमिशन हो गया, आईकार के बाद करियर स्कोप क्या है, प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, क्या वेरियस यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है थ्रू आईकार और इंपॉर्टेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, राइट. तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेश्चंस. ठीक है, एंड विद दैट वी हैव अ स्पेशल गेस्ट उमा. थैंक यू वेरी मच उमा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन. हाय एवरीबॉडी, आई एम उमा रंजन एंड आई डिड माय graduation from BHU and I secured All India Rank 8 in ICAR UG 2018. Okay, Uma, so from class 11 and 12th, तुम्हें कैसे पता चला आईकार एग्जाम, आईकार ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और फिर तुमने कैसे इसकी प्रिपरेशन शुरू की? So 11, 12th में मेरा PC भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी. तो फिर इसके लिए मैं कोटा गई थी और वहाँ पे मेडिकल के अलावा और क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं ये हमें बताया जाता है. तो उसमें एक ICAR भी था, तो फिर मतलब उसके सिलेबस तो बहुत सिमिलर होता है, मतलब लगभग हर चीज वही होता है जो हमें नीट के लिए पढ़ना पड़ता है. तो फिर वही मैंने फिर दिया और ऑल इंडिया रैंक. ओके, तो तुम ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी जब ऑल इंडिया रैंक 8 आया. तो तुमने कैसे डिसाइड किया कि BHU ज्वाइन करना है और BSc एग्रीकल्चर करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्वियसली कोर्सेज होते हैं, राइट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है, उनकी क्या रैंकिंग है थोड़ा वो भी बताओ, और तुमने कैसे BHU को चूज किया? पहले तो BSc एग्रीकल्चर क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं. एग्रीकल्चर में सिर्फ 8-9 सब्जेक्ट होता है तो वो हम पढ़ सकते हैं, जबकि एग्रीकल्चर के अलावा जैसे हॉर्टिकल्चर है तो फिर हमें आगे भी हॉर्टिकल्चर ही पढ़ना पड़ेगा. तो फिर एग्रीकल्चर में कई सारे करियर ऑप्शन हो जाते, इसलिए BSc एग्रीकल्चर था और BHU में BSc एग्रीकल्चर ही होता है. और BHU इसलिए चूज किया क्योंकि एक सबसे पहली बात तो इसकी रैंकिंग भी काफी अच्छी थी और फीस बहुत कम था, और इतना कम है फीस कि आपको स्कॉलरशिप जो आपको ICAR से मिलता है उससे पूरा कवर हो जाता है, यहाँ तक कि बच भी जाता है पैसा. ओह नाइस, तो ये स्कॉलरशिप सबको मिलता है या क्या एलिजिबिलिटी है और कितना मिलता है, जैसे तुम्हें कितना मिला? स्कॉलरशिप 3000 रुपीज पर मंथ, और ये जो ICAR देता है वो सबको मिलता है, और ये उन्हीं को मिलता है जो उस डोमिसाइल के नहीं होते हैं, मतलब उस डोमिसाइल स्टेट्स के नहीं होते हैं. अगर जैसे मेरा डोमिसाइल स्टेट अगर यूपी है और मैं कॉलेज भी यूपी में लेती हूँ, तो फिर अगर मेरा ICAR में फर्स्ट रैंक भी आया होगा तो फिर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा. और इसको ये स्कॉलरशिप भी आपको एक बार ऐसा नहीं कि मिल जाएगा तो फिर हमेशा मिलता रहेगा, आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा. जैसे आपको एक पर्टिकुलर CGPA मेंटेन करना पड़ेगा कॉलेज में, और फिर कभी ईयर बैक नहीं आना चाहिए, तो वो होना चाहिए. ओके, सो जैसे तुमने बताया कि BHU की रैंकिंग काफी अच्छी थी, तो कुछ एक ऑर्डर बताओ जो जनरली कंसीडर करते हैं लोग कि ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, फिर क्या है सबसे ज्यादा कट ऑफ, मतलब हायर रैंकिंग वाले तो BHU ही ले लेते हैं कि क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है. लेकिन और भी कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि GB पंत यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, UAS धारवाड़, तो ये सब काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं. अब तो जैसे कि दिल्ली की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है IIRI, वो टॉप की है, तो अब उन्होंने भी अब UG कोर्स स्टार्ट किया है, तो अब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लोग उसी में
जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि उसकी फीस भी काफी कम है आई आर आई की, मतलब मास्टर्स की तो काफी कम है, यूजी की भी मेरे हिसाब से कम ही होगी। अच्छा, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज हुई जैसे, तो इसी तरह तुमने बोला कि बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, तो ये कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और जनरली लोग क्या लेते हैं, क्या चूज कर सकते हैं? बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि बीएससी हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ ही जाते हैं क्योंकि फिर एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद आप आगे किसी में भी जा सकते हो, फॉरेस्ट्री में भी, मतलब फॉरेस्ट्री तो नहीं लेकिन आप हॉर्टिकल्चर सेरीकल्चर किसी में भी जा सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री में भी जा सकते हो, बाकी से पॉसिबल नहीं है कि नहीं, फिर वो हॉर्टिकल्चर हो जाता तो फिर आप वही लेते जाओगे, तो ज्यादा बेटर है कि एग्रीकल्चर ही। अच्छा, और एग्रीकल्चर में जैसे तुमने बताया कि बहुत सारे 9-10 कोर्सेज हैं, तो वो कौन कौन से हैं और कैसे चलता है उसका प्रोग्राम? बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे कि एग्रोनॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट जेनेटिक्स, देन एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एनिमल हस्बेंड्री है, वेटनरी साइंस नहीं है, ये एग्रीकल्चर जो है वेटनरी साइंस नहीं कराता, ये एनिमल हस्बेंड्री दैट इज डेयरी साइंस कराता है। और सॉइल साइंस हो गया, सॉइल केमिस्ट्री हो गया, ये सब कुछ हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, यहाँ तक इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन तो है ही, इकोनॉमिक्स भी हम लोग को पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है। तो अगर साइंस का भी कोई स्टूडेंट अगर कोई करियर परस्यू करना चाहता है इकोनॉमिक्स में तो वो आराम से कर सकता है बीएससी एग्रीकल्चर पढ़कर। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा जो 4 साल का बीएससी ऑनर्स हुआ? अगर फर्स्ट ईयर के देखे हम लोग तो पूरा सिलेबस 11-12 जैसा ही रहता, बायोलॉजी वैसा ही पढ़ाया जाता है, फिर आगे जैसे कोर्स बढ़ता है वैसे वैसे फिर हमें और ज्यादा डीप पढ़ाया जाता है। तो इसमें एग्रीकल्चर में हमें तो ऐसा बहुत को लगता है कि एग्रीकल्चर मतलब कि सिर्फ फील्ड वर्क होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर में भी हम 12-13 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और जैसे मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। और इसमें कोई एक सब्जेक्ट चूज करके फिर उसी को फिर हम जो भी इंटरेस्ट हमें आ गया सब पढ़ाया जाता है, जो भी इंटरेस्ट आ गया उसकी तैयारी करते हैं और फिर आगे परस्यू कर सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं हम लोग। ओके, अच्छा तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था टीचिंग में, प्रोफेसर्स कैसे पढ़ाते हैं और मजा आता है या नहीं उनसे पढ़ने में, और लैब वर्क कैसा है? एग्रीकल्चर ऐसा करिकुलम है कि आपको लैब वर्क भी रहता है और फील्ड वर्क भी रहता है, तो हमें कभी कभी फील्ड वर्क भी मिलता है और इक्वली उतना ही लैब वर्क भी होता है। तो अगर एचयू की बात करें तो प्रोफेसर्स तो बहुत अच्छे थे, मतलब काफी ज्यादा, पहले तो काफी ज्यादा पंक्चुअल होते हैं वो लोग, और प्रोफेसर्स काफी ज्यादा, मतलब वो टीचिंग के अलावा उनका रिसर्च भी चलता रहता है तो वो काफी ज्यादा पैशनेट है, प्रोफेसर्स तो बहुत अच्छे थे और उनके अंडर में हम प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं और अपने मतलब प्रोफाइल अच्छा मेंटेन कर सकते हैं जो कि हायर स्टडीज में काफी काम आती है। सो लेट्स से कि आपने या एक स्टूडेंट ने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, राइट, थ्रू एनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, तो आगे क्या करियर ऑप्शंस हैं या स्कोप है, व्हाई शुड पीपल इवन केयर अबाउट आईसीएआर? पहली बात तो आईसीएआर में लगभग जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो लगभग 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, जितने भी लगभग प्लेसमेंट के लिए बच्चे बैठते हैं वो सबका उनका प्लेसमेंट हो जाता है। और कुछ बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले जाते हैं लाइक मास्टर्स, एमबीए, और कुछ बच्चे फिर जो बचते हैं वो यूपीएससी जनरल तैयारी, मतलब जनरल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। कई सारे ऐसे भी गवर्नमेंट एग्जाम है जो कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेता है जो एग्रीकल्चर से बेस्ड हो, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं जो कि मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर वाले बच्चों को लेता है, तो वो काफी ज्यादा जैसे कि नाबार्ड सबसे ज्यादा फेमस है, और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, ये सारे जो मैं बता रही हूँ वो सब बीएससी के बाद, जस्ट बात आप कर सकते हो, ऐसे कई सारे एग्जाम जो एमएससी के बाद भी होते हैं और पीएचडी के बाद भी, लेकिन बीएससी के बाद जो एग्जैक्टली कर सकते हैं वो भी मैं बता रही हूँ, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का हो गया और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, फिर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम है जो हम लोग बीएससी के बाद, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद दे सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली रिलेटेड होते हैं लाइक एग्रीकल्चर डोमेन से, और इन स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है इन पोस्ट के लिए? हाँ, इन्हीं को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जैसे नाबार्ड ये सब जो एग्जाम है वो मतलब वो बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए उसके लिए, सारे ही यही है जी। और जैसा तुमने प्लेसमेंट के बारे में बताया, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं उनका हो जाता है प्लेसमेंट, तो कैसी कंपनीज आती है, मतलब कोई प्लेसमेंट थ्रू सेल के थ्रू आती है या फिर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, और जनरली तुमने देखा होगा अपने बैचेस में कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स प्लेस हुए विद व्हाट काइंड ऑफ पैकेज, अगर तुम्हें कुछ आइडिया है? हाँ, प्लेसमेंट जो मेनली जो कंपनियां आती हैं वो कई सारी कंपनियां आती हैं, जैसे कि सबसे इंटरेस्टिंग बात तो कि इसमें मास मीडिया वाले भी आते हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी जी न्यूज वाले भी आए थे, क्योंकि इसमें हमारे करिकुलम होता है मास कम्युनिकेशन भी होता है, तो हम एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे आप कोई सा भी आगे बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड भी आप परसू कर सकते हो। मेनली फर्टिलाइजर कंपनियां हैं जैसे कि यारा फर्टिलाइजर, देन रैलीज इंडिया लिमिटेड एंड दयाल फर्टिलाइजर, मेहको प्राइवेट लिमिटेड, तो ये सारी काफी अच्छी कंपनियां हैं। और हमें जो काफी
ज्यादा जो फेमस है जो आता है वो है प्रदान, जो कि इसकी पैकेज भी काफी अच्छी होती है। तो एक और चीज मैं काफी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ कि हम एग्रीकल्चर जैसे हायर स्टडीज करके लाइक मास्टर्स या फिर पीएचडी करके हम एज अ एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट हम बीएआरसी बार्क, डीआरडीओ और इसरो में भी हम जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट है जो कि बार्क में चलते हैं लाइक म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ये सब हायर स्टडीज की बात आती है। तो ये सब वो साइंटिस्ट जो रिक्रूट करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड से। वाओ, तो पहले तो इनका पैकेज काफी अच्छा होता होगा, ऊपर से सरकारी नौकरियां हैं। यस हाँ, सो मेनी बेनिफिट्स। यस, तो तुम्हारे बैच से जैसे कई लोग गए होंगे इनमें, राइट? कहाँ कहाँ गए हैं अगर तुम बता सको? हमारे कई सारे जो बैचमेट्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट परस्यू किया था वो कई सारे आईआईएम अहमदाबाद में भी है। कुछ कुछ जो होते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए होते हैं, जैसे इरमा, तो कुछ बच्चे वहाँ भी प्लेस मतलब वहाँ भी मिला है उनको। और ये तो मैनेजमेंट की बात हो गई, और हमारे कई सारे जो बैचमेट्स हैं उन्होंने वो फॉरेन भी गए हैं, जैसे कुछ लोगों का तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना जो कि काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है वहाँ भी हुआ है, तो कुछ उधर चले जाते हैं, और कुछ बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ मास्टर्स की। और सीनियर्स कहाँ कहाँ हैं? बहुत सारे सीनियर तो फॉरेन में हैं, और क्योंकि इसका फॉरेन में काफी अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर का, और कुछ आईआईएम अहमदाबाद, कुछ आईआईएम कोझिकोड़े, तो हर जगह अच्छी अच्छी जगह पे हैं। अच्छा, तो तुमने बताया फॉरेन में बहुत ज्यादा स्कोप है एग्रीकल्चर का, कुछ समझा नहीं मैं, मतलब क्या स्कोप है और क्यों उधर लोग जैसे तुम्हारे बैचमेट्स काफी गए हैं, क्यों उसको प्रेफर कर रहे हैं? हाँ, इसका फॉरेन में इसीलिए स्कोप बढ़ जाता है क्योंकि खासकर यूएस में देखा जाए तो एग्रोनॉमिस्ट की काफी ज्यादा डिमांड है वहाँ पे, तो मतलब काफी आसानी से वहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर के जो होते हैं वो काफी आसानी से वहाँ पे चले जाते हैं, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं होती वहाँ पे जाने में। बहुत सारे वहाँ के जो बहुत सारे बच्चे वो एग्रीकल्चर परस्यू नहीं करते, इसलिए मतलब इंडिया के लोगों को काफी ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। नाउ पीपल नो कि स्कोप क्या है आईसीएआर के बाद, क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या क्या यूनिवर्सिटीज हैं, क्या लाइफ का एक्सपीरियंस है इन दीज कॉलेजेस। तो अभी ये बताओ कि जो लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है इनमें आने के लिए या फिर प्रिपेयर करना चाहते हैं, एज अ बैकअप प्लान भी हो सकता है रखे हूँ इसको, तो जनरली जैसे कि बाय मिड सेप्टेम्बर एग्जाम हो जाता है, इस बार शायद थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए बट बहुत कम टाइम बचा है स्टिल, तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उन लोगों? हाँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा, लगभग एक महीने बचे हुए हैं, तो अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी बस जितने टाइम बचे उसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितना ज्यादा मॉक लगा सके आप वो करिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, जो उसमें फिर जो डाउट आता है वो आप वो डाउट क्लियर करें, जैसे कि कहीं भी मतलब एनसीईआरटी से, तो अभी सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना लगा सके आप उतना लगाएं। ओके, एंड हमारे कोर्स में तुम तो ऑब्वियसली होगी ही ऑल इंडिया रैंकेड उनको गाइड करने के लिए, तो अखिल तुम कुछ बताना चाहते हो हमारा जो कोर्स है उसमें? तो हमारा जो कोर्स है तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए हमने अपना आईकर AIEEA यूजी का PCM और PCB के लिए बेसिकली हमने कोर्स लेके आए हैं। उसमें हम 6 मॉक टेस्ट, आईकर के एक पेपर में एक सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, तो सेम फॉर्मेट में और नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। सेम फॉर्मेट में आईकर का एग्जाम भी मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट दोनों में से एक होता है, तो जो सेम इवनिंग या मॉर्निंग शिफ्ट की टाइमिंग है, हम एक अपना बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स लेके आए हैं जिसमें 6 मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे, जो कि मोबाइल ऐप में और साइस्ट्रा के वेब ऐप में एक्चुअल इंटरफेस, जैसे आयकर का एग्जाम भी CVT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वैसे ही हम सारे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस 1 month, और हम 4 प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी अच्छा आइडिया हो और सेम इंटरफेस में एग्जाम के पहले आपका वो मतलब हैबिट बन जाए और वो सेम फील आपको मिले पेपर सॉल्व करने की, उसके लिए हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ 4 प्रीवियस ईयर पेपर हम अपने वेब ऐप और अपने साइस्ट्रा के मोबाइल ऐप में कंडक्ट करवा रहे होंगे थ्रू आवर टेस्ट पोर्टल। और उमा जो कि ऑल इंडिया रैंक 8 लेके आई थी, और एस एस शुभांकर, हर्षित, इनकी भी ऑल इंडिया रैंक 100 और ऐसे टॉप के आईकर में रैंक्स हैं, ये सारे ही मेंटर्स, ऑल 4 सब्जेक्ट के मेंटर्स, ये पूरा गाइड करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी होगा जहाँ पे कोई भी बच्चा डाउट भी पूछ सकता है थ्रू आउट द कोर्स कभी भी। और हमारा मेन फोकस होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई तो कर ली, एक साल पूरा था आपने, 2 साल 1 साल नीट JEE इन सब के लिए जो आपने पढ़ाई की, आपको बस उसी को थोड़ा आईकर के हिसाब से अलाइन करना है, तो बेस्ट तरीका ये होगा कि उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करें और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसी उसी के थ्रू पढ़ाई करें। तो जो हम अपने हर कोर्स में
हमारा जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच, हम उसी को फॉलो करें, उसी को देखते हुए हम जो भी डाउट्स आए वो पूछें और मेंटर से डिस्कस करें। तो थ्रू आउट द कोर्स मेंटर्स हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे आपको टेलीग्राम पे, और सैटरडे संडे को हम डाउट क्लियरिंग और इंटरेक्शन क्लासेस ऐसे 1-to-1 आप जो भी मॉक वगैरह में डाउट आपके आए हैं उनको हम वहां तक कि आपको सोल्यूशन भी डिटेल्ड प्रोवाइड कर रहे होंगे, पूरी एनालिसिस आपको टेस्ट रिपोर्ट की सब कुछ मिल रही होगी, साथ में हम डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी कंडक्ट करवाएंगे हर सब्जेक्ट में। तो आप अपने जो डाउट्स हैं और जो भी आपको इंटरेक्शन करना है मेंटर से, उन्होंने आकर कैसे क्लियर किया, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ आप उन सेशंस में उनसे पूछ सकते हैं और आपको वो डेडिकेटेड गाइड करेंगे। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर दिस एक्सक्लूसिव कोर्स फॉर आइकर, एंड एवरीथिंग इज एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 499। सो या ट्राई टू अवेल इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इट विल नॉट बी फिजिबल फॉर अस टू मेंटेन दिस कॉस्ट इन फ्यूचर, वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट्स प्राइस। फॉर द टाइम बीइंग वी हैव मेड इट टू 499, ट्राई टू रजिस्टर as soon as possible. Okay, thank you Akhil for telling about the course. तो जैसा अखिल ने बताया कि इतने कम प्राइस में, ठीक है, 500 रुपए में जो चीज तुम्हें मिल रही है, बहुत ही ज्यादा चीजें मिल रही है at the cost of 500, and if you clear Aikar you will get 3000 scholarship. So this 500 rupees course will be recovered in your first scholarship. You will get 6 times the scholarship, right? Right now you're getting this course at just 500 rupees. Once you get selected, and especially you have high chances because nobody else is preparing exclusively, or at least इतने सारे mock test, इतने सारे PSA paper, ज़्यादा लोग solve नहीं कर रहे, right? You will be solving it. तो तुम्हारे पहली बात तो probability बढ़ जाएगी selection की, और तुम्हारे पास already इतने अच्छे-अच्छे mentors हैं, all India rank 8 है, all India rank 111 है, top 300-200 में ranks है, right? उसके अलावा doubt clearing, मतलब तुम ठीक है, बहुत हो सकता है internet में तुम्हें PSA papers मिल जाए, हो सकता है solution मिल जाए, जो कि easily मिलते नहीं है, पर doubts आएंगे वो कौन clear करेगा, right? तो वो चीजें भी इधर होंगी, जैसा अखिल ने बताया, ऊपर से interface जो होगा वो computer का होगा, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली एक एनालिसिस रिपोर्ट आएगा। एनीवेज, ये सब मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है आईकार कोर्स जब हमने लॉन्च किया था, जितना जल्दी हो सके इसको अवेल कर लो, क्योंकि जैसा अखिल ने बोला प्राइस बढ़ जाएगा, 999 हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, डबल हो जाएगा प्राइस, फिर भी उतना महंगा नहीं रखेंगे, ठीक है? सो वी हैव लॉन्च्ड इट फॉर 999, अभी तक डिस्काउंट है 499 तक के लिए, और अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो 3000 मिल जाएगा, 6 टाइम्स द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड हियर। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू उमा, अच्छा उमा, तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ये मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस पेपर्स की, तो उनको कितना सेफ स्कोर लाना चाहिए अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए? जैसे मैं तो BHU से मेरा हुआ था, तो अगर आप BHU के लिए आप सोच रहे हो तो फिर आप 515 तक लेके चलो, और अगर और भी कई सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं तो आप एक सेफ स्कोर मान के चलो तो 450 तक तो आप लेके चलो, उसमें आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, एटलीस्ट 450 और मोर। तो हमारे ऑडियंस के लिए तुम्हारा कोई फाइनल मैसेज है क्या? फाइनल मैसेज तो यही कि टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है, तो आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पेपर लगा सको वो लगाओ, और कोशिश करो कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि ICR के कॉलेज में भी जाना चाहिए, आप इसको बैकअप ही लेके क्यों ना चल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे JEE और नीट का सोचते हैं और ICR को बैकअप लेके चलते हैं, तो चाहे आप इसको बैकअप लेके चलो, काफी अच्छा ऑप्शन है ये, बस मॉक टेस्ट और पेपर सॉल्व करते जाओ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, कुछ नया पढ़ने का ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच उमा फॉर योर टाइम, अखिल ऑल्सो थैंक यू। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू ऑल, प्लीज लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, कोई भी दिक्कत है परेशानी है कमेंट सेक्शन तो खाली है, भर दो उसको, एंड उसके अलावा आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ऑन आर एप साइस्ट्रा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऐप इंस्टॉल करने की, और फाइनली कोर्स में आपको उमा जी भी मिल जाएंगी और आपको डायरेक्टली वो मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी डाउट्स होंगे सब प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, उमा के जैसे और भी टॉपर्स हैं जो ICAR के हमारे टीम में, उन सभी से आप पूछ सकते हैं, ठीक है? सो दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर।